जम्मू के एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया के पास शनिवार रात आतंकियों द्वारा दो ड्रोन से गिराए गए विस्फोटकों से एक इमारत क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि एयरफोर्स के दो जवानों को हल्की चोटें आई हैं। ये पहला मौका है जब देश की सेना को ड्रोन के जरिए निशाना बनाया गया है। इन दो धमाकों की आवाज काफी दूर तक सुनाई दी। पहला धमाका बीती देर रात 1:37 पर हुआ और दूसरा धमाका ठीक 5 मिनट बाद 1:42 पर हुआ। जहां ये घटना हुई है उसी कैंपस में जम्मू का मुख्य एयरपोर्ट भी आता है। पहला ब्लास्ट परिसर की बिल्डिंग की छत पर और दूसरा खुले क्षेत्र में हुआ। विस्फोट करने के लिए दो ड्रोन इस्तेमाल किए गए थे। हमलावरों का पता नहीं चल पाया है, लेकिन आशंका है कि विस्फोट वाले इलाके में खड़े एयरक्राफ्ट उनके निशाने पर थे। देश में पहली बार ड्रोन से किए गए इस आतंकी हमले के बाद अंबाला, पठानकोट और अवंतीपुरा बेस हाई अलर्ट पर रखे गए हैं। जम्मू कश्मीर के DGP दिलबाग सिंह ने घटना को आतंकी हमला करार देते हुए कहा है कि UAPA के तहत मामला दर्ज कर पुलिस मामले की जांच कर रही है। NIA और NSG की टीमें भी जांच को पहुंच गई हैं। ऐसा पहली बार है जब किसी आतंकी हमले में ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है। दिलबाग सिंह ने बताया कि जम्मू एयरफील्ड पर हुए दोनों धमाकों में पेलोड के साथ ड्रोन के इस्तेमाल से विस्फोटक सामग्री गिराने की आशंका है। उधर जम्मू पुलिस ने शहर के नरवाल इलाके में 5.6 किलोग्राम IED के साथ दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। ये IED लश्कर ए तैयबा की ऑपरेटिव द्वारा प्राप्त किया गया था और इसे किसी भीड़भाड़ वाली जगह पर लगाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि इस रिकवरी से बड़ा आतंकी हमला टल गया है। इस नाकाम IED विस्फोट के मामले में और भी संदिग्धों के पकड़े जाने की संभावना है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि ड्रोन एयरबेस के पास से ही उड़ाए गए थे। माना जा रहा है कि ड्रोन पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से लाए गए थे। पिछले साल ही पाकिस्तान के आतंकी संगठनों ने चीन से कुछ ड्रोन्स खरीदे थे। ये ड्रोन 20 किलो तक का पेलोड उठाने और 25 किलोमीटर तक उड़ान भरने में सक्षम थे। इनकी खास बात ये भी थी कि इनसे एक टारगेट तय कर उस पर IED गिराया जा सकता था। अगर ये अनुमान सही पाया गया तो आने वाले समय में सुरक्षा एजेंसियों की मुश्किलें बढ़ना लाजमी है। जम्मू हवाई अड्डे के अत्यधिक सुरक्षा वाले वायुसेना स्टेशन पर ड्रोन से आतंकी हमले के बाद पंजाब के सीमावर्ती जिला पठानकोट में अलर्ट जारी कर दिया है। 5 साल पहले पठानकोट वायुसेना बेस पर भी आतंकी हमला हुआ था। महत्वपूर्ण स्थानों पर पंजाब पुलिस की स्वाट टीम और विशेष कमांडो की तैनाती की गई है। जम्मू की ओर जाने वाले और जम्मू कश्मीर की ओर से पठानकोट में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच तेज कर दी गई है। वहीं आज सुबह एक बार फिर सेना कैंप के ऊपर ड्रोन जैसी चीज देखे जाने का दावा किया गया है। ये ड्रोन जम्मू के कालूचक आर्मी कैंप के ऊपर आज सुबह करीब 3 बजे देखे गए हैं। जवानों का कहना है कि यहाँ लौ रोशनी देखी गई, जिसके बाद तुरंत जवानों ने फायरिंग शुरू कर दी।